गुड मॉर्निंग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। फिलहाल जैसे दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी का टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे और यहाँ पर पूरी रात से कोई नेटवर्क नहीं है। गाइज मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, बिना नेटवर्क वीडियो अपलोड कैसे कर पाऊँ। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर यहाँ पर दूर कुछ नेटवर्क अच्छा आ रहा है, तो वहाँ जा रहा हूँ फिलहाल। और मिलेंगे बाद में। अभी कुछ भी नहीं है सच में, बिना नेटवर्क का इंसान भी अधूरा रह गया। मेरा मोबाइल है ना कल से इसे मान लो कि फ्लाइट मोड में डला हुआ है। तो फिलहाल ये चलते हैं फिलहाल नेटवर्क के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए चलते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? देखो फिर से मैं निकल चुका हूँ गाइज, देख सकते हो अभी का मेरा टर्न ओवर हो चुका है। और आज मॉर्निंग में सब लोगों का फिर से स्वागत। और मैं अपने जहाँ रुका था वहाँ से निकल चुका हूँ और बहुत अच्छी उन्होंने मेरे को रिश्वेश क्या क्या बोलते, बहुत अच्छा व्यवहार दिया, बहुत अच्छी अलग सी पहचान बनी अपनी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती गाइज, बहुत अच्छी अच्छी फील होती है चीज़ें। पेट्रोल लेना है अभी और पेट्रोल की आवश्यकता अभी, तीसरी बार टंकी फुल होगी आज, पड़ा था मेरे पास फिर भी ले लेते हैं यार। फुल कीजिए भैया। ये लो फुल कर दो। ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन जी, बाहर नहीं गिरना चाहिए ठीक है ना। काफ़ी अच्छे सुबह कर दो। कितना हुआ? हेलो दोस्तों, फिलहाल अभी का टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं और मैंने लगभग 50 किलोमीटर कवर एरिया शायद कंप्लीट हो गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने अपना नोटिस नहीं किया पहले भी। और दूसरी कहानी यह है कि गाइज एक दो होटलों पर रुक के आया हूँ लेकिन खाना नहीं मिल रहा, कहते हैं कि अभी नहीं खाना मिलेगा आपको, 12 बजे बाद खाना मिल रहा है। मैं कि भैया भूख तो अभी लग रही है। तो गाइज आज का मौसम बहुत सुहाना है और फिलहाल पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर उन समय पर खाना नहीं खाया तो बाइक चल नहीं पाएगी। तो फिलहाल खाने के लिए सोच रहा हूँ और अभी तक भी मेरे को कोई भी राइडर नहीं मिला जो मेरे साथ से आराम से ऐसे राइडिंग कर सकता है, अभी तक एक भी राइडर नहीं मिला। हाँ राइडर तो काफ़ी मिल रहे हैं मेरे को लेकिन जो मेरे साथ सफ़र करने वाला ना वो नहीं मिला। एक राइडर मिला था सुबह तो उसने मेरे को पिकअप की कहा था लेकिन बेस्ट लक भी कहा था, लेकिन इतना जल्दी मैं कुछ काम में लगा हुआ था, मैं एडिटिंग का कुछ वीडियो अपलोड कर रहा था उस समय उसने बोल दिया। अगर वो रुक जाता तो मैं रुकता, उससे बातचीत करता, सब कुछ होता है, लेकिन क्या करें जब ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा भगवान श्री राम को। अगर मिलने भगवान श्री राम गए थे राम सेतु उधर से श्रीलंका श्री माता सीता जी को लाने, अरे तो भैया हम तो पहले राम जी के पास में जाएंगे, राम जी थे, और उसके बाद में हम सीता जी के पास में चले जाएंगे, वहीं वो भी जगह देख के आ जाएंगे कैसी है वहाँ पर कैसी नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं गाइस, सीता माता जी के दर्शन करने हैं। वहाँ पर सीता माता जी गए थे, वो पेड़ था, हनुमान जी लंका जला के आए थे, सब कुछ सिस्टम उसी में है। और आज की बात करें तो फिलहाल तो यार कुछ मूड भी अच्छा है वैसे तो, वो थोड़ा हैप्पी नहीं, क्या करें हैप्पी शुरू और नहीं भी है। तो हमने 60 किलोमीटर कवर कर लिया और अभी का समय हो रहा है, मैंने यहाँ पर साईनाथ पर बहुत होटल है, अच्छी होटल है, वहाँ खाना बना रहे हैं, खाना खाते हैं। फिलहाल खाना तैयार होकर आ गया, टेबल को देखिए खाने में क्या है।
टमाटर है और रोटी है और फिलहाल प्याज है, अब खाना खाते हैं और फिलहाल निकलते हैं। ओके गाइस, तो भैया जी फिलहाल हमारा खाना पाना तो हो चुका है और मैं वापस निकल चुका हूँ अपनी राइड के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि मैं बताता हूँ आपको अभी। तो क्या करना है भाई? सब्सक्राइब। किसको? आपको। ओके, नाम नहीं जानती वगैरह यार, त्रिपला राइड ब्लॉग को। ये देखो लिखा ना, त्रिपला राइड ब्लॉग्स, समझ गए। हेलो भाई, देख सकते हो फिलहाल ये भैया मिले थे, इन भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प की और मेरा ऐसा कुछ हो गया था कुछ काम जैसे मान दो मेडिसिन के लिए, तो इन्होंने 5 किलोमीटर अपने साथ ले गए थे वापस मेरे को ड्रॉप करने आए हाईवे के ऊपर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग भी इनको प्यार कीजिए। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, आगे चलते। जी फिलहाल ये पहाड़ों को चेकआउट कीजिए, क्या सुंदर पहाड़ है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब सुबह से आज अभी देखने का मौका ला पहाड़ों को, वो वैसे पहाड़ देखे नहीं आज तो मैंने, अब चल रही हूँ पहाड़ों में। बारिश भी हो रखी है मेरे हिसाब से लग रहा है, इधर ठंडी ज़्यादा लग रही है ना। तो फिलहाल आज का देखते हैं क्या खूबसूरत पहाड़ों में यार मज़ा आ रहा है सच में। रेल में पहाड़ों का कुछ है ही कमाल अलग ही। देखा होगा आपने मेरा आज का वीडियो पहाड़ों का, कल का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दिया करो यार। तो भैया जी ये पहाड़ चेकआउट कीजिए, कैसे हैं पहाड़, आपने चेकआउट किया होगा। और फिलहाल पहाड़ों में आके मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और इनकी खूबसूरती, इनका नज़ारा और बीच में चलती हुई ट्रेनें। अभी ट्रेन निकल चुकी है, देखो आ गई, ये बीच में चलती हुई ट्रेन कैसी दिख रही है बताओ। इन पहाड़ों में ट्रेनें चलती हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, हम जैसे भी निकल जाते हैं तो क्या मज़ा आता है यार। देखो डबल इंजन लगा है, मालगाड़ी है भैया, निकली अपनी रेलवे, भारतीय रेलवे की है। और इधर देखो सनराइज होने वाला है, सनसेट मतलब सूर्य भगवान जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और ये पहाड़ भी चेकआउट कीजिए कितना अच्छा है। और अब मेरे को वाइजर में से कुछ दिखाई कम देने लग गया है, क्योंकि फिलहाल अब थोड़ा थोड़ा नाइट होने लग गया ना इसलिए। तो फिलहाल अब यार भूख भी लगने लग गई, आज तो पता नहीं थक गया क्या मैं, कॉफ़ी पीने के बाद भी भूख लग रही है। लेकिन आज बात बताऊँ गाइस तो आपको, आज मैं सबसे ज़्यादा चला हूँ, आज मेरा 200 किलोमीटर सफ़र हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 500 किलोमीटर सफ़र कर लिया। क्योंकि यार मैं इतनी गाड़ी चलाता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल चलाता हूँ 100 से 150 के बीच में, तो मेरे को अच्छा फील हो जाता, रुक रुक के आराम से चला लेता हूँ शाम तक और कहीं स्टे करके रुक जाते हैं। लेकिन आज कुछ डील थी कि आज यहीं रुकेंगे, कन्फर्म था कि आज यहीं रुक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं निकल रहा था जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी वैसे ही जल्दीबाजी नहीं करता भैया, आप सोच रहे जैसे आराम से चल रहा हूँ मैं, तो हाँ कम रुक रहा हूँ बस यही है। वैसे तो गाड़ी अपनी 50-60 चलेगी आपको बता दूँ, लेकिन आपको पता कि मैं 25 किलोमीटर एक घंटा रुक जाता हूँ कभी 50 पर एक घंटा और कभी, और आज मैंने कम किया है घूमना फिर रुकना फुकना, क्योंकि मैं निकला लेट था। फिलहाल बता दूँ आपको मेरा समय हो गया था उस समय, हाँ मैं 2 बजे से निकला था, दूल्हे गांव से 2 बजे निकला था, तो अभी 6 बजने वाले हैं और 6 बजे अपने 3 घंटे में टारगेट था अपना 150 किलोमीटर के लगभग। और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है और मौसम भी ठंडा हो चुका है फिलहाल, तो चलते हैं गाइस देखते हैं। फिलहाल आज एक और नदी का संगम हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो कोई नदी है जहाँ हम पहले मिले थे वहाँ पर, अच्छी सी है। तो क्या भैया जी फिलहाल देख सकते हो मैंने मनमान यहाँ पर स्टे किया है, अभी चाय कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा फिलहाल। और बहुत अच्छा ये अंकल है, देख सकते हो अंकल ने चाय ऑफर किया अपने को, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं चाय वाय तो पी के जाओ,
तो चाय पीता नहीं, कॉफ़ी पी के जा रहे हैं। 5-10 मिनट हो गए फिलहाल निकले के, यार काफ़ी वक्त है, 70 किलोमीटर बाकी है। तो फिलहाल 70 होगा 60 क्या सिटी? हाँ सॉरी 57 किलोमीटर है, तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो फिलहाल वहाँ का नज़ारा दिखा देंगे आपको, चाय कॉफ़ी हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं भी देख रहा था कोई होटल पर चाय कॉफ़ी दिख नहीं रही मेरे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, अब आगे की बातें आगे करते रहेंगे, वो आप जाने का नहीं, बैठ कीजिए। हमने रूम ले लिया है और अब रूम में दिखा देता हूँ कैसा लिया है, कैसा नहीं, क्या प्राइस में पड़ा है। तो फिलहाल आप रूम चेकआउट कीजिए पहले, फिर बाद में पैसे की बात करते हैं। तो गाइज ये रूम कुछ ऐसा सा है, देख सकते हो, और ये बेड ऐसा बेड दे रखा है, और ये बाथरूम है, ये देख सकते हो, ये बाथरूम दे रखा है। तो फिलहाल ये गाइज ये मेरे रूम ओनली फॉर 600 रुपए का पड़ा है, 600 रुपए प्राइस, 600 रुपए प्राइस का है। और फिलहाल अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर की ओर, मंदिर चलते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और मैंने सुना है कि वहाँ पर फ़ोन को यूज़ नहीं किया जाता, तो फिर अपन क्या करेंगे, बाहर से जो वीडियो बनाना है वो बना के लेके आएंगे, अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं। ओके गाइज फिलहाल इतना ही, और वापस आने पर मिल।
गाइज फिलहाल मैं मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ और अभी खाना खाने के लिए होटल में आया हूँ। फिलहाल यहाँ पर होटल पर बहुत ज़्यादा रेटें मांग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, खाना खाना जरूरी है, भूख लग रही है सुबह से, दोपहर से लग रही, सॉरी। तो खाना वाना खाते हैं और फिलहाल आपको आगे मिलते हैं। ओके गाइज, आज फिलहाल जैसे कि हमारा खाना आ चुका है, मैं होटल में हूँ और अभी खाना खाते हैं। फिलहाल आपको दिखाता हूँ आज खाने में क्या क्या है अपने लिए। ये देखिए गाइज, कुछ स्पेशल था नहीं है, 200 रुपये की थाली पड़ी गाइज, और इसमें लस्सी पस्सी सिस्टम है। तो फिलहाल गाइज खाना खाते हैं और अब होटल जाके मिलेंगे आपको। ओके गाइज, खाना खा लेते हैं और बाद में मिलेंगे। अरे हेलो भैया जी, देखते तो फिलहाल मैं खाना वाना खा के आ चुका हूँ और अपने होटल में आ चुका हूँ। अब आज का प्लान रेस्ट करेगा, क्योंकि यार काफ़ी थक गए थे यहाँ पर, बोरिंग रोड इतनी डैमेज थी, क्या बताऊँ यार, इतनी टूटी फूटी थी कि बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ऊपर से ये समय भी ऐसा था कि मेरे को जल्दी आना था, क्योंकि मेरे को शाम को दर्शन करने थे, लेकिन चलो वो तो हो सका, पूरा हो गया कम्प्लीट टारगेट। और अब इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं वो तो कर दीजिए गाइज। आपको पता है कि हमारे राजस्थान जो ट्रिप चल रही है ना, वो फिलहाल अभी तक मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई भी बंदा नहीं गया बाइक से, और मैं जा रहा हूँ। तो देखिए गाइज कैसी राइड है और कैसे हम इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि ये इतना इतनी बड़ी राइड को हम कैसे हैंडल कर लेते हैं, और कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, काफ़ी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइज, और मेरे जैसे अकेले बंदे को तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, निकलते हैं, अपनी जोश को कभी खोते नहीं हैं, और अपने आप से चलते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। कैमरे से बातें करने की दोस्तों आदत हो जाती है ना, तो किसी बंदे की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहता, अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्यार वाला कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।